Hello students, welcome to online class. My name is Sanjum Srivastu. This is class 7th English grammar, chapter number 7, tenses. So students, today we will study here present tense. So let's look at the board and we will try to understand how the translation is took place in present tense. Okay. So let's start about this. So students, यहाँ पर present tense जो है, present tense में कितने tenses होते हैं? अगर हम उसे सब divide करें, तो कितने tenses हो जाएंगे? बताइए. Yes, four parts हो जाएंगे उसके. क्या-क्या होंगे four parts? Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. अब इसी से related हम लोग वन बाई वन सेंटेंसेस लेंगे, रूल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, चलिए. आप सभी के पास बुक्स भी होनी चाहिए और नोटबुक भी होनी चाहिए. ओके, तो अभी आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी नोटबुक एंड बुक एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट द बोर्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, सबसे पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये है present indefinite tense. तो ये present indefinite tense के जो rule हैं, वो क्या है? देखिए, हम यहाँ पर rule को देखेंगे. सबसे पहले पहले होता है subject, ठीक है? subject verb first form of verb के साथ s या फिर es दोनों ही लगते हैं. फिर ये होता है object होता है, ठीक है? ये होता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं लोग, जैसे कि राम राइट अ लेटर. राम राइट्स अ लेटर. अब यहां पर देखिए, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब देखिए यहां पर राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ओरिजिनल फॉर्म वर्ब क्या है? ये डब्ल्यू आर आई टी, राइट. ये देखिए, ये है आपका राइट. तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या ऐड हो गया है? एस. ये एस, एस या फिर ई एस, दोनों में से कोई एक लगेगा. तो राइट के साथ हम ई एस तो लगा नहीं सकते. देखिए, राइट के साथ हम एस, क्योंकि ई एस अगर हम ऐड कर देंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए हम एस को लगा दिया, तो यहाँ पे राइट्स हो गया, ठीक है? तो ये क्या बन गया है? राइट्स. अ लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. अब आप सोचेंगे कि ये एस और एस क्यों लगा है? एस और एस इस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है. ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से एस या एस यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये प्लुरल होगा, मान लीजिए यहाँ पर राम एंड श्याम होता, तो यहाँ पर क्या होता? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ यूज करते, यानी कि राम एंड श्याम राइट लेटर्स. ओके, it has been over. It is positive sentence. Clear? अब अगर हमें negative sentences को बनाना हो, अब देखिए negative sentence जब हमें बनाना होगा, suppose कीजिए rule देखें negative का. अब यहाँ पर आप इसे note भी कर लेंगे students, okay? अब negative देखते हैं लोग. negative में क्या करते हैं? subject लेंगे, subject. Do or does, दोनों में से कोई होगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट. और इसे ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नहीं वाले शब्द, नहीं वाला जो सेंटेंस होता है नेगेटिव का, वो हम इसे बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम डज नॉट राइट अ लेटर. अब देखिए, ये क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट. अब यहाँ पर डज नॉट लगा है, फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब आप यहाँ पर देखेंगे डज क्यों लगा है, डू क्यों नहीं लगा है. डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और डू क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. ओके,
तो यहाँ पर राम क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से डज नॉट लगाया गया है, डज लगा है डज के साथ नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज लेटर, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। अब हम इसको फर्स्ट टाइप में पहले करते हैं। फर्स्ट टाइप में इसलिए समझने के लिए आपको इजी होगा, इसलिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो टाइप इसमें मैंने डिवाइड किया है, तो ये आप समझ जाएंगे इजीली। देखिए इसका जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट हो, पहले देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है ईच एम आर ओके, फिर इसके बाद इनमें से कोई एक होगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में ये तो यहां पर देखिए डू डज सब्जेक्ट, ये है इसके बाद में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए ईच एम आर वॉज, ईच एम आर जो यूज करना होता है वो पैसिव सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्टिव सेंटेंस को पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पैसिव सेंटेंस भी सीखेंगे। तो एक्टिव में डू और डज लगेगा इस तरह से, और जब पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ईच एम आर वॉज वर इस तरह की चीजों को हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डू डज। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा, देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा, ये देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सीता, सीता को सीता सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज लगेगा, डज सीता प्ले, डज सीता प्ले गेम। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब ये देखिए क्या है, डज डज क्यों लगाए, क्योंकि सीता जो है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो डज सीता प्ले गेम, क्या सीता गेम खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका यस या नो होगा, या तो खेलती है तो यस, नहीं खेलती है तो नो। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर निकलता है यस और नो में, तो उसका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है वो डू या डज से बनता है, वो भी किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनिट वाले टेंस में, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप का जो टेंस है, देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स। अब जो देख लीजिए पहले WH क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, Which, how, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स सी, तो देखते हैं यहाँ पर, तो WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए डू लगेगा, डू यूज करिए या फिर डज, दोनों में से कोई एक। फिर आएगा सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर, ठीक है, एग्जांपल है मोहन क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लगाएंगे वाई, हमने y ले लिया, why does मोहन प्ले फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर y लगा है, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके साथ डज लगा है, डज क्यों लगा है, क्योंकि ये है सिंगुलर,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, वाई डज, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लुरल होता दे होता, तो अगर दे होता तो ये डू हो जाता, वाई डू दे प्ले फुटबॉल, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से करके हमने जो है इसमें प्रेजेंट टेंस के टेंसेस को देखा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रेजेंट टेंस, क्लियर। सो वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ पास्ट टेंस। थैंक यू वेरी मच।